तो कहे दीदी बोलना चाहिए। वाह आज मैं रेडी हूँ, कैसे देख रही स्वागत है आप सभी को फिर एक नए ब्लॉग में। तो गाइस अभी मैं रात से अपना इंट्रो शूट कर रहा हूँ और अभी बज रहा रात का 8 बज गया है, टाइम नहीं दिखा रहा है, 8 बज गया है। तो गाइस आप सभी को मेरे चेहरे का स्माइल देख के पता चल ही गया होगा कि आज मैं कितना ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तो गाइस मैं बता देना चाहूंगा आज हम लोग पूरा फैमिली की ओर से आज हमारे चैवासा में गौशाला मेला लगा हुआ है। जैसे कि आपसे वो टाइटल और थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि आज हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो गाइस हमारे चैवासा में 3 दिन का मेला लगा हुआ है 20, 21, 22। तो गाइस आज 21 तारीख है, तो आज हम लोग पूरा फैमिली की ओर से हम लोग जा रहे हैं रात को मेला देखने। तो आप सबको मैं दिखाऊंगा कंप्लीट कि वहां पर कैसे कैसे झूला सब लाया गया है, वहां पर सामान क्या क्या लाया गया है कंप्लीट दिखाऊंगा, और वहां पर लोगों का माहौल कैसे है कंप्लीट आज के ब्लॉग में आप सबको मैं दिखाऊंगा। तो अगर आप भी अगर नहीं आए हैं गौशाला मेला देखने तो आप जरूर से आइएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आज मैं आप सबको दिखाऊंगा कि आखिर हम लोग कौन कौन जा रहे हैं, ये नहीं कि राम सिंह अकेला चल गया, ऐसा नहीं, आज हम पूरा फैमिली जा रहे हैं। तो चलेगा अभी मैं फिलहाल ड्रेस नहीं पहना, तो ये रहा मेरा शर्ट, तो अभी हम ड्रेस पहन लेते हैं। तो चलेगा आप सभी को मैं ड्रेस पहनने के बाद आप सभी से पुनः मिलते हैं। और मेरा जो फैमिली में दीदी लोग सिस्टर लोग सभी लोग ड्रेस पहन लिया है और मैं ही पीछे रह गया हूँ। तो चलेगा आप सबको दिखाते हैं रात का नजारा। तो गाइस मैं तो ड्रेस पहनना हो गया, तो चलिए गाइस आज मैं आप सबको दिखाऊंगा कि मेरे साथ कौन कौन जा रहा है। फिलहाल में एक बार मैं उन सभी से आप सबको मिला देना चाहूंगा। तो गाइस आप सभी देख सकते हो इधर दीदी लोग हैं, इधर सभी लोग रेडी होके आ गया है और बहुत मस्त सज सज के जा रही है। इधर रहा इतने सारे लोग आज जा रहे हैं पर्व का आनंद उठाने के लिए। तो गाइस यहाँ पर दीदी इन लोग को समझा रही तो गाइस इधर में सभी लोग आज बहुत ही ज्यादा खुश हैं। तो दीदी लोग दीदी कुछ बोलना चाहेंगे तो पहले सभी तो गाइस इधर रहा मेरा रूम का टूर कुछ इस तरह से है। ऐसा कुछ मैंने सामान में रखा दिया है। इधर रहा हमारा मिरर यहाँ पे लगा हुआ है। और मेरा आउटफिट कैसा लग रहा आज का जरूर कमेंट कीजिएगा। तो सविता का पूरा ब्लैक ब्लैक, मेरा और सविता का सेम सेम है, और इधर दीदी और इधर मनीषा ये दोनों का सेम सेम रेड रेड है और देख सकते हैं। तो लेकिन दीदी हम लोग के बीच में नहीं जा रही है, हम लोग वही दुखी है क्योंकि हम चाहते थे कि दीदी भी साथ में जाए लेकिन आज नहीं जाएंगे बोल रही है क्योंकि घर से भी देखभाल करना है बोलती है। अच्छा तो कल पक्का जाइएगा, तो आप केवल जाइए कि हम लोग को भी लेके जाइएगा, सब कोई जाएंगे तो चलो बढ़िया। तो कल भी जाएंगे तो हम लोग मनीषा कल जाएंगे ना। तो गाइस आप सभी को सभी लोगों से मैंने मिला दिया है, सब कोई रेडी हो गया है। आज हमारे बीच में दीदी लोग कुछ बोलना चाहेगा आप सभी के बीच, आप लोग जरूर से सुनिएगा। देखिए गाइस आप लोग देख सकते हैं हम लोग अच्छी तरह से रेडी हो चुके हैं, अभी हम लोग जाने वाले हैं गौशाला मेला, वहाँ पे दिखाएंगे सब कुछ कि क्या क्या लगा है, क्या क्या झूला सब हम लोग झूलेंगे जाएंगे तो सब में हम लोग पूरा खुश है, अभी जाने के लिए रेडी भी हुए हैं। तो वहाँ पे क्या क्या लगाया है, खेल ने बच्चा लोग का बड़ा लोग का भी और लड़की लोग का खास कर ये कुछ भी सजाने का, जैसे हम लोग सब लगाते हैं लड़कियाँ कान का कुछ भी माला वाला कुछ भी वहाँ पे सब कुछ लगा हुआ है और बहुत कुछ का सामान है और खाने का भी सब कुछ मिलता है। अच्छा हमको सिखा रही है। और वहाँ पे फेमस है अधिकतर गन्ना जो सबको खरीदता जरूर है, लेके घर सबको गन्ना वहाँ पे अधिक फेमस है गौशाला मेला के लिए, वहाँ पे
अधिक बिक्री करता है मेला से जो भी निकल के आता है सब कोई अपना कंधा में गन्ना बांध के गन्ना ढोके लाता है। चलो हो गया। तो गाइस आप सभी के सामने सविता ने बहुत ही अच्छा बता दिया कि हम लोग अगर वहां पर जाते हैं तो वहां पर क्या क्या ऐसा चीज है जो आप सबको दिखाएंगे। तो वहां पर जो गौशाला में मेला में अगर ज्यादातर देखिएगा तो गन्ना सबसे ज्यादा वहां पर मिलता है और खाजा वो तो कंपलसरी है, तो सब कोई खरीदेगा और लेके आएंगे और दिखाएंगे भी आप सभी को क्या क्या हम लोग खरीद रहे हैं, शॉपिंग कर जो भी है, और झूला में हम लोग झूल रहे हैं वो सारा चीज भी दिखाएंगे। दीदी का कुछ बोलना बाकी रह गया, वो भी बोलना चाहती है। दीदी मारो जी। राजा जी क्या लग रहे हो? तो कहीं दीदी बोलना चाहिए आज मैं रेडी हूँ, कैसा देख रही कैसा लगा मेरा मजाक? तो गाइस चलिए अभी सब कोई रेडी हो गया है तो अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे और रात के कितना बज गया अभी? 7:39 तो अभी 8 बजने वाला है तो हम लोग पहुंचेंगे वहाँ पर 8:30 बजे। हम लोग का कम से कम होगा आधा घंटा आसपास का रास्ता है तो जाएंगे। मुझे एक चीज का अफसोस है, दीदी नहीं जा रही है आज तो कल जाएंगे बोलती है। मैं सोच रहा था साथ में जाएंगे तो अच्छा रहेगा सोच रहे थे, लेकिन यहाँ पर होता क्या ना घर का देखभाल रखवाला के लिए भी होना चाहिए कोई। तो चलिए अभी वहाँ पहुंचते हैं, इसके बाद आप सभी से पुनः मिलते हैं। अभी बाहर में रात है तो आप सभी को देखने को नहीं मिलेगा, तो वहाँ पहुंचने के बाद आप सभी से पुनः मिलते हैं। तो गाइस अभी हम लोग गौशाला मेला जाने के लिए हम लोग एंट्री हो चुके हैं और आज उतना ज़्यादा भीड़ नहीं है तो आगे साइड से शायद बहुत ज़्यादा भीड़ होगा। जो पहले साल जो था यहीं से बहुत ज़्यादा भीड़ हुआ करता था। अभी हम लोग गौशाला मेला के अंदर हम लोग एंट्री कर चुके हैं और सभी लोग हैं यहाँ आसपास में सभी लोग हैं। और चले आप यहाँ का जो भीड़ है और लोगों का क्या रिएक्शन है, क्या क्या सब्जी फल जो भी फल फ्रूट अच्छा अच्छा पकवान सब जो भी मिल रहा है आज के ब्लॉग में सबको कवर करने वाले हैं। देखो गाइस, तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं मंदिर के अंदर और यहाँ पर आप सभी को बहुत ही अच्छा अच्छा नज़ारा देखने को मिलेगा। आप लोग ब्लॉग पे कंटिन्यू बने रहिएगा। ये रहा राजस्थान क्लब चैवासा। अभी मैंने टिकट कटा लिया है बड़ा वाला झूला का, मैं और अंजलि जा रहे हैं इतने का आज के समय वहाँ पर क्या एक्सपीरियंस हुआ था आप सभी तक मैं जरूर से शेयर करूँगा।
कि हम मेला में घूमने के लिए बड़ा से कूलर बैठने के लिए लाइन लगे हुए हैं। दुकान जगह पहुंच चुके हैं, हम कुछ फूल वगैरह पसंद आ रहा है तो हम लेने का प्लानिंग किए हैं, दिखाएंगे आप सभी को। ये रहा गन्ना और अभी हम लोग गन्ना खरीदने आए हुए। हे एवरीवन, आज नेक्स्ट डे है और मेरी ओर से आप सबको प्यार भरा गुड मॉर्निंग। तो गाइस, जैसे कि मैंने आपको कल मैंने दिखाया कि गौशाला में हम लोगों ने मेरे फैमिली लोगों के साथ हम लोगों ने खूब इंजॉय किए, घूमे फिरे। फिर बाद में हम उन लोगों से मैं थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया और मेरे कुछ फ्रेंड लोग मिल गया था, तो उन लोगों के साथ घूमे फिरे तो काफ़ी अच्छा लगा। तो गौशाला में देखा गया तो उतना खास इस बार सामान वामान नहीं लाया था, तो मैंने आपको कुछ दिखा नहीं सका, लेकिन मैंने आपको ऊपर से थोड़ा बहुत मैंने नज़ारा दिखा दिया कि आखिर उस मेला का नज़ारा कैसा था। तो आई होप ने आप सभी ने देख लिए होंगे। तो आज आज हो गया आपका 22 तारीख, तो आज 22 तारीख है। आज शाम को फिर हम लोग का बॉयज टीम है मेरा दोस्त लोग का, तो उन लोगों के साथ एक बार घूमने की सोच रहे हैं। तो कल का ब्लॉग में भी आप सबको देखने को मिलेगा, तो कल का ब्लॉग को भी देखना स्किप मत कीजिएगा। तो आई होप गाइस आप सभी को मेरे ये छोटा सा ब्लॉग जरूर से पसंद आएगा। पसंद आता तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं गाइस दूसरे नए ब्लॉग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।